सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं जो मेन चीज़ है उसके ऊपर, तो हमारे पास अभी मैम है, तो वेलकम दिजनी मैम नेवर टीम द मोटोफ्लिक्स चैनल। सो पहले बताइए कौन से गाइस से शुरुआत करने वाली है। पहले तो आप सबको धनतेरस और दिवाली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और गुड विशेस। अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये बजाज ऑटोमूवर्स है जो कि मुर्गासोल में है। मैं देवजानी बैनर्जी यहाँ पर काम करती हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे लो सीसी का जो गाड़ी हम लोग के पास है बजाज जो बनाता है कस्टमर के लिए जो है वो है 110 का, हम लोग का प्लैटिना 110। ये 110 सीसी का गाड़ी है, ये एकदम कंप्यूटर में आता है एकदम। इसका जो हाईलाइट है वो है इसका माइलेज। इसका माइलेज बोल दीजिएगा तो इसका माइलेज 70 प्लस है जो कि आज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ पूछूंगा कि मतलब बहुत से लोगों का एक ख्वाहिश रहता है कि माइलेज वाला गाड़ी लेता हो, इसका प्राइसिंग क्या चल रहा है अभी अपडेटेड? ये मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मैं गलत ना बोल दूँ, इसीलिए मैं एक शोरूम बता रही हूँ, वो भी मैं थोड़ा देख के मैं बोल देती हूँ। जरूर जरूर, ओके, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना, कोई कन्फ्यूजन ना, मिसकंसेप्शन ना आ जाए। हाँ, मिसकंसेप्शन ना आ जाए। तो मेरा इसका एक शोरूम प्राइस जो है वो है 68,051 68,051 रुपया 68,051 रुपया। ओके सर, मैं अगर हिंदी में बोल दी तो आशा करते समझ में आ गया। अभी जो लोग इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, बहुत से लोग इसको कैश नहीं ले सकते तो फाइनेंस करवा लेते हैं। हाँ, फाइनेंस का भी। तो इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना रहेगा? इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आपका 15,000 के अंदर आ जाएगा। 15,000 के अंदर आ जाएगा, 15,000 के अंदर इसका डाउन पेमेंट आ जाएगा। ओके, एंड अगर कोई मतलब करेगा तो उसका डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा? इसका डॉक्यूमेंट्स आपका मेनली जो नॉर्मली हम लोग का लगता है वो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, आपका दो कॉपी फोटो, इलेक्ट्रिक बिल। मतलब टोटल छः चीज़ें लगेंगी जो हो सकेगा तो मैं लिख दूंगा डिस्प्ले भी, या फिर आपको सुन ही लिए तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कैरी करने का जरूरत नहीं है। आपको अगर लगता है वोटर पैन ये सब कैरी करना भी सेफ नहीं है, आप अपना मोबाइल पे उसको बढ़िया से फोटो क्लिक करके लाइए। हाँ, हम लोग यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल के भी डॉक्यूमेंट नहीं भी रहेगा कोई भी दिक्कत नहीं, आप लोग डिजिटल इसको दिखा सकते हैं। हाँ, डिजिटल हम लोग दिखा सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर स्पेशल क्या डिस्काउंट, क्योंकि दिवाली और धनतेरस दोनों ही सामने हैं। हाँ, और आई थिंक ज्वेलरी के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बिकता है इस त्यौहार पे बाइक, वो बाइक है। ये आपने बहुत अच्छा बोला। ये हम लोग का अभी डिस्काउंट आपका जो मतलब चल रहा है वो 2,000 to 3,000 तक है। अच्छा। अगर मतलब बहुत मतलब प्रेफरेबल हो तो 3,000 तक डिस्काउंट है। साथ ही सर आपका हेलमेट फ्री है। अच्छा। ऑल एक्सेसरीज इन द सेंस आपका मिरर, लेग गार्ड, साड़ी गार्ड जो भी फिटिंग किया हुआ है। अच्छा, ये सब एक्सेसरीज में फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। कंपनी आपको 3 साल की वारंटी देती है, डीलरशिप इसके साथ और 2 साल ऐड करके टोटल 5 ईयर्स वारंटी, वो भी फ्री। इट्स ऑसम डील। और ये ऑफर धनतेरस तक की है, इसके साथ एक आपको बढ़िया सा गिफ्ट भी मिलेगा। अच्छा, जैसे गिफ्ट भी मिलेगा तो हाँ। गाड़ी भी खरीदो, गिफ्ट भी पाओ और ऑफर्स भी। तो एक ही चीज़ मैं बार बार बोल देता हूँ कि ऑफर जो है वो धनतेरस दिवाली तक की है, उसके बाद कोई कमेंट मत करना कि मेरे को ऑफर नहीं मिला। तो उससे पहले गाड़ी लेना है इस त्यौहार पर तो आ जाइए, आके टेस्ट राइड लीजिए, टेस्ट राइड अवेलेबल होगा। बिल्कुल लीजिए और फिर अपने पसंदीदा गाड़ी को घर ले जाइए। तो इसके साथ बढ़ते हम लोग नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। सो अभी हम लोग जो नेक्स्ट गाड़ी पाए हैं, ये गाड़ी का वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है, अगर नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद मैं भूल जाऊंगा, आई बटन में दे दूंगा, देख लेना। ठीक है। तो ये जो गाड़ी है CT125X नया लॉन्च है, CT125X है, ये नया लॉन्च हुआ है। ओके, ये इसका डिटेल्स थोड़ा बता। 100 मैं बोलूँगी, बहुत किसी का उम्मीद रहता है कि मैं 125 सीसी का बाइक चलाऊँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है उनको पॉकेट को भी देखना पड़ता है। तो ये 125 सीसी में मतलब 100 से ऊपर सीसी में जब गाड़ी जा रहा है 120 के ऊपर में, तो उसमें बजाज ये ऐसा एक बाइक बनाया है जिसको पॉकेट फ्रेंडली बनाया है। इसका प्राइसिंग? हाँ, इसका मैं एक शोरूम आपको बता देती हूँ। इसका एक शोरूम वेरी मतलब मैं बोलूँगी पॉकेट फ्रेंडली है, चीपेस्ट है ये भी इंडिया में, चीपेस्ट 125 में, 125 सेगमेंट में ये चीपेस्ट है। इसका दो आता है, एक ड्रम में आता है, एक डिस्क में आता है। ओके, मैं दोनों का ही बता रही हूँ। एक शोरूम ड्रम का, एक शोरूम प्राइस है 71,155,
आई रिपीट 71,155। ओके, एंड जो डिस्क गाड़ी है 125X का जो डिस्क है उसका है आपका 74,355। तो प्राइसिंग तो बहुत ही एकदम क्लियर वाला है और इसमें फीचर्स बहुत अच्छा अच्छा आया, जैसे चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी है। तो ये तो मैंने डिटेल में बना कर रखा है, वो चीज़ नहीं है, मैटर करता है कि इसमें डीपी कितना लगेगा। मिनिमम डीपी देखिए, ये प्लैटिना आपका प्लैटिना 160, ये 125, इन सब का जो है इनका डीपी मोटा मोटी एक लेवल पर ही है। हाँ, और 15,000 के अंदर पे। अच्छा, 15,000 क्रॉस नहीं करेगा, मिनिमम डीपी जो है वो 15,000 क्रॉस नहीं, 15,000 के अंदर एक आ जाए तो उसमें वो गाड़ी घर ले जा सकते हैं, ले सकते हैं। और इसमें क्या स्पेशल ऑफर्स क्या रहे? इसमें स्पेशल ऑफर वही है हम लोगों का, ऑल एक्सेसरीज फ्री है। अच्छा। सीट कवर है आपका, हेलमेट है इसका, दो साइड आपका वो है ना फुटरेस्ट, दो साइड फुटरेस्ट है। एग्जैक्टली, वो दोनों एक्सेसरीज में फ्री मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, सारा डुअल मिलेगा, दोनों दो सारा दो, एवरीथिंग सब कुछ फ्री मिलेगा। हाँ हाँ, तो अभी 125 सीसी में ये कवर कर लिया। अभी बढ़ते थोड़ा नेक्स्ट, थोड़ा और हायर सीसी में। हायर सीसी से भी मैं ज़्यादा मैं आपको बोलना चाहूँगी कि 125 में हम लोग एक और बाइक देखेंगे। ओके, सो अभी मतलब आई थिंक वन ऑफ द इंडिया का सबसे फेवरेट यंगस्टर का बाइक NS, NS 125, क्योंकि इसमें देखिए आप खुद भी देख सकते हैं इसमें एक स्पोर्टी लुक है, पूरा NS 200 का इधर लुक एकदम कैरी फॉरवर्ड किया गया, एकदम कैरी फॉरवर्ड किया है, कस्टमर्स के लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है और माइलेज भी ज़्यादा रहेगा, माइलेज भी ज़्यादा रहेगा। अच्छा, इसका माइलेज कितना है? इसका माइलेज 50+ 50 to 55। सो ऐसे बेहतरीन स्पोर्ट्सी लुक के साथ आपको माइलेज भी मिल रहा है, माइलेज मिल रहा है अप टू 55। मतलब ये एक मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि ये बजाज क्लेम नहीं कर रहा है, ये कस्टमर रिव्यू है। अच्छा, कस्टमर जो फीडबैक देते हैं बाइक खरीदने के बाद, आपका जब हम लोग सर्विसिंग में कस्टमर आता है उस टाइम पे उन लोग से फीडबैक मांगा जाता है कि माइलेज कैसा मिल रहा है, तो दे गिव दैट फीडबैक। ओके, सो 50 to 55। सो इसका मैम एक बार प्राइसिंग बता दीजिए। हाँ, इसका मैं प्राइसिंग मैं बताऊँगी, उसके पहले देखिए आप एक चीज़ सोच लीजिए, स्पोर्ट्सी लुक है, माइलेज बढ़िया है, कैन यू गेस द एक शोरूम प्राइस? थोड़ा हार्ड है क्योंकि प्राइसिंग जो है ना तो चैलेंजिंग साइड पर रहता है। गेस कीजिए कितना होगा। 1,20,20? नो, इट्स ओनली 1,05,811। 1,15,000 रुपये ज़्यादा गेस किया, 15,000 रुपये अपने ज़्यादा गेस कर दिया। 15,000 में तो और भी कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। 15,000 इसका एक शोरूम, एक शोरूम प्राइस 1,05,811। अरे ये तो आपका 125 सीसी का मतलब जो एकदम बेस्ट वेरिएंट पे गाड़ी आता है उसका प्राइसिंग में हो गया, और उसके साथ इतना ज़्यादा फीचर्स भी मिल रहा है, फीचर्स आपका मिल रहा है, लुक आपको मिल रहा है, माइलेज आपको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इसका लेने के लिए मिनिमम डाउन पेमेंट, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना, हाँ, उनको बस एक ही चीज़ है कि भाई प्राइस बताओ और डीपी कितना करना पड़ेगा। इसका भी ज़्यादा नहीं, इसका 20 to 25,000 का डीपी में, 20 to 25,000 रुपीज़ आप लोग दे के इस धनतेरस इस खूबसूरत ब्यूटी को अपने घर ले जा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, स्पेशली टू द यंग जनरेशन, देर मत कीजिए क्योंकि ये गाड़ी आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है, बहुत बार हुआ है आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा, NS का मैं अभी थोड़ा और ऊपर का वर्जन दिखाना चाहूँगा क्योंकि वो मेरा बहुत दिल का करीब है, NS में खुद भी ऑन करता हूँ। तो आपका अगर बहुत इच्छा है कि इसका थोड़ा ऊपर का हम वेरियंट देखते हैं, तो NS 200 पे चलते हैं, क्योंकि NS तो 2011-12 से था मेरे को याद है। NS 200 थोड़ा देख सकते आप लोग इसमें, और इसमें दूर से देख के कोई फ़र्क दूर से कोई नहीं बता सकता, अगर सेम कलर में रहेगा तो कोई मतलब सामने आके जो चीज़ पता चलता है वो इसका टेलीस्कोपिक फोक, हाँ, बहुत चंकी साइड पे, टायर बहुत चंकी साइड पे, डिस्क ह्यूज है इसका, ह्यूज डिस्क है इसका, रोड को ये इस तरह से पकड़ लेता है। मेरा 160 में मेरे को एक एक्सपीरियंस है कि NS क्या है। अच्छा, तो इसका भी बढ़ते हैं सीधा एकदम प्राइसिंग पे। NS 200 आपको एक शोरूम जो है ये है 1,40,333। 1,40,333, हाँ, 1,40,333। 1,00,000 से भी कम में इसका एक शोरूम प्राइस है। बोले तो 150 पल्सर 150 जो गाड़ी है उसके प्राइस पे आपको NS 200 मिलता है। मिल रहा है, इट्स ग्रेट। और इसका मिनिमम डीपी कितना रहेगा?
इसका मिनिमम डीपी आपका वही 20 to 25 देके, मतलब 20 देके आप एक और शून्य पीछे लगा लीजिए 200, तो वो वाला सीसी आपको मिल जाएगा, तो ले जाइए। और ऑफर्स ऑफर्स इसका भी सर, इसमें आपका वही 3000 तक का डिस्काउंट है, ठीक है। और आपका हेलमेट, ऑल एक्सेसरीज, सारा कुछ फ्री है, आरएसए है, 5 इयर्स वारंटी इसमें मिला, इसमें 3 ईयर कंपनी का, 2 साल डीलरशिप का एक्सटेंडेड। हाँ, डीलरशिप 2 साल। इसका भी मैंने डिटेल रिव्यू करके रखा है, ज़रूर जाके देखिएगा, और देखने के बाद क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यार दीजिएगा। तो इसका थोड़ा प्राइसिंग वगैरह मैम। हाँ, इसका मैं प्राइसिंग बता रही हूँ। इसका प्राइस है आपका ₹1,25,824 सो प्राइसिंग तो एकदम मतलब नॉमिनल साइड, एकदम बजाज इज ऑलवेज विद दिस कस्टमर, एकदम नॉमिनल साइड पे, तो प्राइसिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी ये गाड़ी का मतलब इतना क्रेज क्यों है, मैं आपको एक ऑड क्वेश्चन कर रहा हूँ, इतना क्रेज क्यों है? देखिए, क्योंकि पहली बात तो इसका लुक है, ठीक है, तो एकदम ही रोबोटिक साइड है। इतना कम अमाउंट में आपको डुअल चैनल एबीएस मिल रहा है, डुअल चैनल एबीएस, एग्जैक्टली मैं यही चीज सुनना चाहता था आपके मुंह से, डुअल चैनल एबीएस इतना कम में मिल रहा है, और ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि इसका ये फॉक्सी लुक, वही रोबोटिक ट्रांसफॉर्मर वाला लुक, ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा है। इसका एक पहला भी गाड़ी आया था जो ट्रांसफॉर्म लुक से इंस्पायर था, आर एस 200। अच्छा, क्योंकि वो गाड़ी अभी शोरूम में नहीं है, नहीं। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, अगर कोई आर एस 200 लेना चाहता है इस धनतेरस में, क्या उसको मिल जाएगा? उसको मिल सकता है, लेकिन सर उसके लिए पहले बुकिंग करना है, बुकिंग कंपलसरी, क्योंकि अभी आर एस बहुत मतलब कम आ रहा है, ठीक है, उसको पहले से बुक करना पड़ रहा है। बुकिंग अगर कस्टमर कर लेते हैं, बुकिंग अमाउंट मिनिमम 5000 है, 2000 to 5000 है, कर लेते हैं तो श्योर शॉट उनको मिल जाएगा, मंगवा के हम लोग दे देते हैं। ओके, सो आर एस 200 की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत फैंस है आर एस 200 का, बहुत फैंस है। तो अभी इसका मिनिमम डीपी, इसका मिनिमम डीपी देखिए, इसका है आपका मोटा मोटी 25 to 30 इसका लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डीपी नॉमिनल साइड भी उतना ज़्यादा, अभी डिपेंड कर, देखिए और एक चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ, ये मैं मिनिमम मतलब एक रेंज बता रही हूँ सबके लिए, मतलब हाँ, सब, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये फ्लक्चुएट करता है। ऐसा नहीं कि क्रेडिट स्कोर के ऊपर करता है। हाँ, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो बिलो 25,000 पे भी आप ये गाड़ी ले सकते हो। गाड़ी के हिसाब से मैंने गाड़ी को चलाया भी, डिलीवरी किया भी है, देख लेना। तभी इससे साथ बढ़ते हैं दूसरी गाड़ी में, क्योंकि वक्त बहुत कम है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो चलिए अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें इसके बाद मैं एक गाड़ी पे आ रही हूँ जो है एवेंजर 160। ये आई थिंक सबसे ज़्यादा कम प्राइस में आने वाला अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, राइट? इंडिया मार्केट में सबसे कम पे आने वाला क्रूज बाइक, हाँ। क्योंकि क्रूजर वैसे भी है ही नहीं इंडिया में, नहीं। और इसका सबसे तो बड़ी सीट, इसका सीट कंफर्ट जो ये सीट नहीं, ये सोफा है, सीधी है वो भी है। दूसरा है कि इसका सीट कंफर्ट ऐसा है कि कभी कभी होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, आप बाइक चला रहे हो, कुछ देर चलाने के बाद आपका कमर पे पैर पे पेन होता है, मसल पुल हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, आप लॉन्ग ड्राइव पे जितना है आप चल जाओ, आपका कमर पे कोई पेन नहीं आएगा, कोई मसल पुल नहीं होगा, कोई क्रैम्प नहीं आएगा मसल पे, तो दिस इज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट, लॉन्ग राइड्स के लिए कंफर्टेबल, एकदम जो राइडर्स होते हैं, क्योंकि हैंडल बार भी ऊंचे हैं, हाँ, आपका फुट रेस्ट भी थोड़ा आगे के साइड में, तरफ है कि आपका पैर एकदम स्ट्रेच रहे, और सीट भी बहुत मतलब पीछे बैक रेस्ट दिया हुआ, मैं देख सकता हूँ। तो इसका भी प्राइसिंग पे आता है, डीपी पे आता है सीधा, इसका एक शोरूम प्राइस है 1,14,963 1,14,963 ठीक है, प्राइसिंग तो ठीक है, नॉमिनल सर, मैं प्राइसिंग में कोई क्रूज बाइक इन दिस प्राइस, एग्जैक्टली मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ बोल गया था, मतलब इस गाड़ी के पहले, कि ये आई थिंक वन ऑफ द चीपेस्ट क्रूज बाइक में इंडिया में अवेलेबल है, और ये आई थिंक बहुत ज़्यादा बिकने वाला भी क्रूजर है, बहुत ज़्यादा, बाकी जो बाकी मतलब 160 सीसी में आता है, हाँ, उससे हाँ, बहुत ज़्यादा बिकता है। और इसके साथ इसका भी मिनिमम डीपी, इसका मिनिमम डीपी आपका N160 के जैसा ही है, 25 to 30,000 डिपेंड ऑन द सिबिल, लेकिन ठीक है। और गाड़ी मतलब क्रूजर लेना है आप लोगों को इस धनतेरस में, आगे लेके जाइए, को सिर्फ बजाज नहीं, ये मैं बोल सकता हूँ कि इंडियन रोड्स के लिए, इंडियन मतलब जो क्रूजिंग करना चाहते हैं शौकीन है,
उन लोगों के लिए एक वरदान है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जिस प्राइसिंग में सीसी देता है, ये मेरा खुद का मतलब एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, लोग इस सीसी में मतलब इस प्राइस में 250 सीसी देता है। एग्जैक्टली, ये एकदम सही बात है। मतलब ये मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ बात, क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ तो मेरा बोलना जायज़ है। ये 400 सीसी देता है, 400 सीसी। बाकी इसका प्राइसिंग आप ही को बताएं। इसका देखिए लुक तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, लुक तो बहुत ही अच्छा है, और ये प्राइसिंग कम है, लेकिन इसका देखिए फीचर्स में कम है, क्योंकि इसमें USD फोक्स आता है, सब कुछ है, साथ में विंडशील्ड भी लगा हुआ है, विंडशील्ड लगा हुआ है। पीछे में देखिए यहाँ पर आपका जो टॉप रैक है, उनका लगेज रखने के लिए भी ये टॉप रैक लगा हुआ है। अच्छा, पीछे में जो बैठेंगे उनका बैक पेन ना हो उसके लिए कुशन दिया हुआ है, बैकलेस दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग इधर पर बैकलेस इधर पर दिया गया है, ठीक है। जब आपके हैंड गार्ड दिया गया है, बहुत से लोग आफ्टर मार्केट लगाते हैं, लगाया हुआ है, ये विंडशील्ड है, और डुअल मीटर्स आते हैं, डुअल मीटर्स, एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, डुअल मीटर्स देख सकते हैं आप। इधर में गियर वगैरह आता है, इधर में इसके मैं डिटेल रिव्यू बनाऊंगा, मैं बनाने वाला था, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया था पिछले साल, तो मैं बना नहीं पाया। तो ठीक है, अभी इसका एक शोरूम प्राइस जैसे आपने बताया कि आदर्स में इस रेंज में आपको 250 का मिलेगा, तो इसका है 223,538, 223,538 इस प्राइस पे 400 से। बहुत प्रैक्टिकल मशीन है, मैं इसको एकदम प्रैक्टिकल क्रूजर बाइक बोलता हूँ इसको, ये बहुत प्रैक्टिकल, क्योंकि उस प्राइस में आप देखेंगे तो कोई को तो 160 भी दे देता है। हाँ, तो वही वाला चीज़ है कि मेरे को ख़राब लगता है एक ब्लॉगर के नाते कि भाई इतना पैसा ले रहे तो देना चाहिए, बजाज देता है। इसका मिनिमम डीपी कितना लगेगा? मैं इसका डीपी थोड़ा हाई है, तो इट्स हाँ वो है, क्योंकि 400 सीसी का बाइक है, तो इसका थोड़ा हाई है। इसका आपका डीपी 30,000 to 40,000 के अंदर में करना है, तो बहुत कम भी है, क्योंकि 2 लाख ऊपर का बाइक है, उसमें 30-40,000 आई थिंक कुछ नहीं है। ओके, अभी इसका तो मैंने आपको बता दिया ऑल डिटेल्स, किंग बाइक दिखा भी दिया मैंने। अभी मैं आपको एक और सेगमेंट में मैं ले जाना चाहूँगी, वो है हम लोगों का 250 का सेगमेंट में, 250 का सिबलिंग्स, 250 सिबलिंग्स एग्जैक्टली, जिसमें हम लोग का 2 बाइक है। इसको देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नहीं ये N250 है, ये नेकेड बाइक है, yes. ये F250 है, ये फेयरिंग बाइक है, ऑब्वियसली क्योंकि इसका छोटा हाँ, भाई के पास है, तो इसका भी जाना ही पड़ेगा, तो प्रेस्टीज की बात हो जाती है इसके लिए। तो अभी इसके जो प्राइसिंग बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या है कि इसका लुक बहुत पसंद आएगा, मतलब इन एक्सटर्ट का लुक बहुत पसंद आएगा, लेकिन उनको थोड़ा हायर से चाहिए। हाँ, तो उसमें इनका प्राइसिंग क्या है? इसका प्राइसिंग दोनों का सेम है, दोनों का ही है 140,333 वो भी बहुत नॉमिनल साइड पे है, और आई थिंक मैं ये मतलब बहुत मतलब ऐसा नहीं होता कि दोनों ही नेकेड और फेड का ना एक ही प्राइस पे हो, ये बहुत शॉकिंग चीज़ है कि दोनों का ही मतलब फेड का थोड़ा ज़्यादा रहता है नॉर्मली, हाँ, दूसरे मतलब देखेंगे तो नॉर्मली जैसे NS और RS का अलग रहता है, लेकिन इसका दोनों ही एक ही साइड सेम सेम है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसके बाद इसका DP मिनिमम कितना लगेगा, क्योंकि गाड़ी है। हाँ, इसका आपका DP 25-30 इसका DP पे गाड़ी आ जाएगा, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और आई थिंक इसके ऊपर स्पेशल ऑफर्स कुछ रहेगा ही रहेगा। स्पेशल ऑफर्स वही 3,000 तक का डिस्काउंट है, अच्छा। और आपका ऑल एक्सेसरीज फ्री है, आपका वारंटी है, हेलमेट है, आपका RSA है, साथ ही साथ एक गिफ्ट भी है। धनतेरस के पहले आके बुकिंग कर लीजिए, ताकि उस दिन आके आपको ज़्यादा देर तक वेट ना कर, हम लोग आपका गाड़ी वेट को कम करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स पहले ही मिल जाए। अभी मैम थोड़ा इसका मतलब शोरूम का थोड़ा डिटेल्स दीजिए। और यहाँ पर मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि किसी के पास अगर बाइक ऑलरेडी है तो वो अगर एक्सचेंज करना चाहे तो एक्सचेंज भी हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे प्राइस पे हो जा रहा है। थैंक यू सो मच मैम, इतना अगेन इतना ज़्यादा मतलब डिटेल्स में बताने के लिए, समझाने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा, अगर थोड़ा भी लगेगा मेरे लिए मैम के इस मेहनत के लिए, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फ्री है, मतलब एकदम ही फ्री है, और लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, राइट से स्टे से। आई एम अरिंदम विद ऑटोमोबाइल्स देवजानी मैम, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, पीस, बाय बाय।